जय हिंद साथियों, इस वक्त देश भर के युवाओं के लिए शायद इससे बड़ी दूसरी खुशखबरी नहीं होगी कि कल यानी 11 जुलाई से अजमेर के कायड़ विश्राम स्थली में सेना भर्ती रैली शुरू होने जा रही है। हालांकि इस भर्ती में राजस्थान राज्य के युवा ही भाग लेंगे, लेकिन हम इस भर्ती को देश भर के युवाओं के लिए खुशखबरी इसलिए मान रहे हैं कि राजस्थान के अजमेर में सेना भर्ती शुरू होने से अब देश के अलग अलग राज्यों में भी जल्द ही सेना भर्ती रैलियां शुरू हो जाएंगी। देखिए साथियों, हमेशा की तरह हम आपको अजमेर सेना भर्ती रैली का भी लाइव कवरेज दिखाने के लिए आज अजमेर रवाना होने वाले ही थे। सभी तैयारियां कर ली थी, लेकिन ऐन वक्त पर अजमेर पीआरओ संतोष जी का फोन आया और उन्होंने बताया कि सेना भर्ती ग्राउंड पर किसी भी मीडिया कर्मियों को एंट्री नहीं है। पीआरओ के माध्यम से सभी मीडिया संस्थानों को रोज की अपडेट और कुछ फोटोज भेज दिए जाएंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया है कि 16 जुलाई को एक दिन के लिए मीडिया कर्मियों को सेना भर्ती ग्राउंड पर एंट्री दी जाएगी। यानी शायद इस दिन हो सकता है कि कोई बड़ा अधिकारी अजमेर पहुंच रहे हों और वह इस दौरान मीडिया कर्मियों से भी बातचीत करेंगे, तो इसलिए एक दिन के लिए यानी 16 जुलाई को मीडिया कर्मियों को एंट्री दी गई है। इसके अलावा और भी कोई अपडेट होगी तो हम आपको बताएंगे। तो देखिए साथियों, पीआरओ के माध्यम से जो भी जानकारी हमें रोजाना मिलेगी हम आपको उससे अवगत कराते रहेंगे और 16 जुलाई को अजमेर पहुंचकर आपको लाइव तस्वीरें दिखाने का भी हम प्रयास करेंगे। देखिए अभी तक की जो अपडेट है वो तो है, और अगर मीडिया कर्मियों ने एंट्री को लेकर कुछ कहा, कुछ बोलते हैं, तो हो सकता है कि मीडिया कर्मियों को रोज के रोज सेना भर्ती रैली का कवरेज करने के लिए अनुमति भी दी जा सकती है। यानी मीडिया को रोजाना का अपडेट देने के लिए एंट्री मिल सकती है। फिर भी जो भी होगा हम आपको सेना भर्ती रैलियों को लेकर लगातार अपडेट देते रहेंगे। और अब बात करते हैं जो साथी कल सुबह दौड़ने वाले हैं। देखिए उन सभी साथियों से कहना चाहेंगे कि आप शारीरिक तौर पर फुल मजबूत हो, बहुत मेहनत की है, काफ़ी स्ट्रगल किया है आपने अपनी तैयारियों को लेकर, और अब वो वक्त बेहद करीब है जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रहे कि जब आपकी दौड़ शुरू हो तब करीब शुरुआती 50 मीटर तक आपको संभल कर दौड़ना है, अपने आप को बचाना है और अपने दूसरे भाइयों को भी गिरने से बचाना है। यानी किसी को भी धक्का तो बिल्कुल भी नहीं देना है। और फिर इसके बाद आपको वो ताकत, वो तैयारी, वो जुनून दिखाना है जिसके लिए आप, आपके माता पिता और बड़े भाई सपना संजोए बैठे हैं। यानी कुछ भी हो जाए इस बार तो सेना की वर्दी पहननी ही है। जब आप ग्राउंड पर दूसरा राउंड पूरा करके तीसरे की शुरुआत करते हैं तो उस वक्त असफलता आपको रोकने का प्रयास करेगी, वो आपको रोकेगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने थमना नहीं है। जब आपके अंदर से ऐसी सोच, ऐसी फीलिंग आए कि रुक जा, अब तेरे से दौड़ पास नहीं होगी, तो उससे आगे तो करीब 70 लड़के दौड़ रहे हैं, 100 लड़के तेरे से आगे दौड़ रहे हैं, तब आपको उस आवाज, उस सोच को जिससे आपके मन में, आपके दिमाग में यह ख्याल आया, उसे जवाब देना है कि थम जा, कुछ देर और थम जा और फिर मैं तुझे बताता हूं कि मुझसे दौड़ पास होगी या नहीं। उस वक्त वहां खड़े फौजियों को देखिए, तिरंगे को सोचिए और घर बैठे अपने माता पिता को याद करिए, अपने घर की स्थिति को याद करिए, फिर सोचना कि जब सरहद पर अंधाधुंध गोलाबारी के बीच फौजी दुश्मनों से सामना करते हुए चोटियों पर चढ़ जाते हैं तो क्या हम यह दौड़ पास नहीं कर सकते। हाँ ये सही है कि ये इतना आसान नहीं है, हाँ ये सही है कि ये आसान नहीं है, लेकिन आपने शौक ही इतने महंगे पाले हैं, लेकिन आपने शौक ही इतने महंगे पाले हैं। यह बिल्कुल सही है कि दौड़ पास करना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन आप दौड़ पास कर जाओगे, आप हर हाल में दौड़ पास करोगे अगर आपने इसके लिए पूरी तैयारी की है और आप हिम्मत नहीं हारते हैं। बस आपके दिमाग में यह बात बिल्कुल नहीं आने पाई कि तुझसे नहीं होगा, आपको यह सोचकर भागना है कि करके ही रहूंगा, आज तो दौड़ पास करके ही रहूंगा। जब भारत माँ की जय, वंदे मातरम के नारे आपके कानों तक पहुंचते हैं तो अपने शरीर में अपने आप एक ताकत, एक हवा भर जाती है और ये वो ताकत होती है कि फिर आप कुछ भी कर गुजर सकते हो। इसलिए आपको हिम्मत नहीं हारनी है, हौसला नहीं तोड़ना है
और आखिर में एक जरूरी बात और आपको बताना चाहेंगे कि सभी साथी भर्ती के दौरान अपने दस्तावेजों वाले बैग का विशेष ध्यान रखें। आप अपने इस बैग को, अपने दस्तावेजों को कहीं भी ऐसे ही मत छोड़ देना, क्योंकि यह आपके कैरियर का सवाल है। और हाँ, दलालों के चक्कर में तो भूल से भी मत आ जाना, किसी को पैसे मत दे देना, किसी को अपने कागज मत दे देना, वरना बाद में आपको बहुत ज़्यादा पछतावा करना पड़ेगा। इसलिए दलालों से दूर ही रहें, क्योंकि वो सेना भर्ती में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। और आखिर में सभी साथियों को डी न्यूज परिवार की ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आपका सेना में भर्ती होने का सपना जरूर पूरा करे। तो चलिए साथियों, फिर मुलाकात करते हैं आपसे सेना भर्ती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।